फैंस की तो थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए। पूरा टैटू पेंट करवा रखा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली देख सकते। क्रिकेट इज लाइफ, दिस वर्ल्ड कप वेरी बैडली, सो चीयर फॉर इंडिया, भारत माता की जय। टीम इंडिया की जो बस है वो यहाँ से चल के आने वाली है, और मुझे कंपनी बहुत अच्छी मिल गई है। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हो। 17 साल बाद आ चुकी है हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके T20 का, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसी चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी टीम इंडिया आ चुकी है हमारी भारत में, और इसी का जश्न अब बहुत धूमधाम से बनने वाला है भारत में। इसी के साथ मैं हूँ आपकी प्यारी नीतू कपूर, और स्वागत कर दिया आपका हमारे चैनल पर चलो कि घूमने। मैं हूँ इस टाइम एयरपोर्ट पर, दिल्ली के एयरपोर्ट पर हूँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर T3 पर, और मैं निकली हुई हूँ बल्कि घर से 3 बजे की, और अब बज के 4:20, मतलब मुझे यहाँ पे हो गया आधा घंटा हो चुका आए हुए, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ हमारी टीम इंडिया क्योंकि यहाँ पे आने वाली है, और नी का स्वागत करने वाले के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। और अप्रोक्स बताया जा रहा है कि 6 बजे के करीब यहाँ पे टीम इंडिया आने वाली, और ये भी कोई कन्फर्म नहीं है कि कौन से गेट से यहाँ पे आने वाली। 6 नंबर गेट पर मैं खड़ी हूँ, इंटरनेशनल गेट नंबर 6 पे, और कंफर्म नहीं है डोमेस्टिक साइड से आती है या इंटरनेशनल साइड से आती है हमारी टीम इंडिया, बट मैं टोटली एक्साइटेड होके वेट कर रही हूँ। तो गाइस बने रहिए मेरी वीडियो पे, और दिखाती हूँ अगर जैसे टीम इंडिया आती है, पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपको जितना हो सकेगा कैप्चर करने का। ये देख सकते हैं हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और गेट नंबर 6 बिल्कुल सामने है मेरे, और ये है इंदिरा गांधी, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर स्केल का बना हुआ है ये हमारा। आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस की है ये तैयारियां चलती जा रही है, कंफर्म नहीं है कि किस साइड से आएगी हमारी इंडिया की टीम। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड हुआ है, कि आने जाने वाले लोग लगातार बने हुए हैं यहाँ पर, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरी निगाह है ना बस मेरे सामने गेट पर एक टिकी हुई है कि बस टीम इंडिया यहाँ से सामने से आती है और मुझे नज़र आए, और बस मतलब मेरा जो जुनून है ना मेरे, मुझे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूं क्या नहीं, बस यहाँ पे मेरी निगाह टिकी हुई है कि मुझे सामने से बस इंडिया टीम हमारी आती हुई दिखाई दे। गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से RPF जो टीम है वो पूरी आ चुकी है, और यहाँ पे जोरों शोर से मतलब तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो है बैरिकेड लगा के जाएगा, और सब कुछ यहाँ से क्लोज कर दिया जाएगा, पूरी टीम से यहाँ पे आई जाएगी, और यहाँ देख सकते हैं सारे फैंस आए। योर गुड नेम मशाल, कैसे लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है, टीम अच्छा इंडिया अपनी एक्साइटेड हो, इंडिया टीम बहुत 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 ज़्यादा। कैसा चेयर करना चाहोगे? हैप्पीली चेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद 11 साल के बाद अपना टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। विराट कोहली जर्सी पहन के आए हैं, अब पीछे बैक होना ये देखिए रोहित शर्मा जी की टीम 45 नंबर की पहन के आए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो आप हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। और चेयर अप कैसे करना चाहोगे टीम इंडिया का, जैसे अगर टीम इंडिया आएगी तो आपको? अरे ये जाने ही नहीं देते इनको, दिखाइए इधर, ये जाने ही नहीं देते, नहीं तो अभी दिखाइए पूरा। ये जो है ना आप सबके दुश्मन बन के बैठे हुए इस टाइम, जो है ये सब जो हमारे फैंस है ना टीम इंडिया के, उदास हो गए, थोड़ा सा तो उदास हो गए, जाने नहीं दे रहे। आपका क्या ओपिनियन है सर? जाने देना चाहिए यार, फैंस की तो थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए ना। अभी मुझे लग रहा है कि जितना ये चीजें चल रही है अभी थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे बढ़ने वाली है। ऑफ कोर्स गाइस मेरे सामने देख सकते हैं पीछे की साइड में पूरी जो टीम है वो आ चुकी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे होने वाली है, बट जो हम फैंस हैं ना यहाँ पे डट के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रखी है यहाँ पे टीम इंडिया की। और हम कम से कम बहुत टाइम हो चुका है हमें यहाँ पे आए हुए, मैं 3 बजे के घर से निकली और मुझे 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे आए हुए, और मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी हूँ क्योंकि हमारी इंडिया वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप लेके आ रही है, तो इससे बड़ी हमारे लिए प्राउड ऑफ के लिए बात क्या होगी। मुझे था इंतज़ार बस वो जल्दी से वो घड़ी आ जाए, क्योंकि वेट नहीं हो रहा मेरे से। अभी पूरा 6 बजे का टाइमिंग बता रहे हैं यहाँ पे आने का, और किस तरीके से आप देख सकते हैं स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है, धक बढ़ती जा रही है टीम इंडिया के लिए। और सही यहाँ से कह रहे कि यहाँ से बस ठीक सामने से यहाँ से जाएगी हमारी टीम इंडिया की बस, और उसी का स्वागत करती है हमारी। ये देखिए भगवान ने भी कृपा बरसा रखी है, बारिश कर दी है हमारी टीम इंडिया के लिए, स्वागत कुछ इस तरीके से हो रहा है हमारी टीम इंडिया का विद बारिश। सर कहाँ से आए हुए हो? आयनगर दिल्ली से आए हो सर, स्पेशली इंडिया टीम का वेलकम करने के लिए, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे हैं, इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है। लग तो अच्छा रहा है, बट ये अच्छा लगना दे नहीं रहे, अच्छा लगने नहीं दे रहे ना, बढ़ते जा रहे हैं, हमें बगा रहे हैं। हम तो अच्छा फील करने आए थे, बट आप
मैं दिल्ली से यहाँ रजौरी गार्डन से। रजौरी गार्डन से भैया स्ट्रिक्टनेस बढ़ चुकी है हमें लेके। अभी हो गया इंटरव्यू स्टार्ट पीटीआई चैनल का। ये क्राउड बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। हे गाइस, आईसीसी सीडब्ल्यू 2011 का पूरा टैटू पेंट करवा रखा है। माय गॉड, रोहित शर्मा, विराट कोहली देख सकते हैं गाइस, पूरी टीम का, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, माय गॉड, फैन होता है ऐसा। वाओ, विराट कोहली। तो क्या कहना चाहेंगे गाइस इनके जुनून के लिए? क्रिकेट इज लाइफ। इनके जुनून के लिए गाइस क्या कहना चाहेंगे? मतलब पूरी वूल बॉडी पे इन्होंने टैटू बनवा रखा है हमारा इंडिया का क्रिकेट के लिए। और बैक साइड पे इनके देखेंगे तो मैंने अभी आपको दिखाया 2011 का टीम मेंबर्स है ना टोटली, एंड 2024 के भी ना सारे टीम मेंबर्स के आपने सारा 2011 सारे मेंबर्स टीम के इन्होंने अपने नाम जो है बैक साइड पे लिखवा रखे। और ये टैटू देख सकते कितने खूबसूरत तरीके से है इनके। ये देखिए गाइस, पीछे देखिए, ये है 2011 टीम मेंबर्स और ये है देख सकते हैं 2024 के टीम मेंबर्स। मतलब सुपर यार, मतलब वर्ड्स नहीं है इनके लिए, वर्ड्स पूरे प्रॉपर नहीं निकल रहे। मतलब इतना जुनून क्रिकेट के लिए, बाई गॉड, फैन हो तो ऐसा, बाई गॉड। है 2011 के टीम मेंबर्स और ये 2024। तो सर से मिले, ये हमारी एक्साइटेड और के कुछ ज़्यादा ही सर हमारी इंडिया टीम की मेंबर्स का जो वेलकम करने के लिए। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सपना पूरा हुआ है जो हमारा 11 साल से हमने आईसीसी को का टूर्नामेंट नहीं जीता था 2023 के हार्ट ब्रेक के बाद। वी रियली वांटेड टू विन दिस वर्ल्ड कप वेरी बैडली, सो बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान ने हमारी प्रेयर्स सुनी और राहुल ड्राविड एज अ कोच, ही हैज़ वन द वर्ल्ड कप, एज अ प्लेयर नहीं जीत पाए बट एज अ कोच जीत पाए हैं। विराट कोहली ने भी 220 ट्रॉफी जीत ली, फाइनली जीत ली। और यही मेरे को यही था कि अगर विराट कोहली की लाइफ में कोई भी पहली ट्रॉफी आए, वो पहले T20 वर्ल्ड कप आए, उसके बाद वो जितनी ट्रॉफी जीते वो अलग है, बट पहली ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप की होनी चाहिए। सो बहुत खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने अभी संन्यास ले लिया दोनों हमारे फेवरेट टीम मेंबर्स ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए मैम, रोहित शर्मा 2007 से T20 खेल रहे हैं, विराट कोहली 2010 से खेल रहे हैं, ठीक है उनका डिसीजन सही है। आप ऑल प्लेयर्स का ही होता है, जब भी जाओ हाई पे जाओ, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो हाई पे गए हैं। ऑल द बेस्ट टू देम, गुड लक टू देम। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज फॉर देम इज WTC अगले साल जून में, क्योंकि हम जून में वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 जीत चुके हैं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, अब हमारा WTC भी जीतना जून में होगा, क्योंकि जून में ही होता है सारे, हम चारों के चारों टूर्नामेंट जून में हम जीतेंगे। और गुड लक टू देम फॉर देयर फ्यूचर। अभी हमें विराट की और रोहित की ODI में और टेस्ट में बहुत जरूरत है, तो ठीक है अब आगे जो गेम बदल रहा है, यंगस्टर्स का गेम है, और उनका जो मेन एम था वर्ल्ड कप जीतना, वो पूरा कर लिया है, तो इस पे मैं कोई गलत नहीं है। और देखिए रिटायरमेंट तो ले लिया है, बट अगर इंडिया को नीड पड़ी तो दे कैन ऑलवेज कॉल देम बैक अगर इंडिया को नीड पड़ती है, बट एज ऑफ नाउ द डिसीजन इज राइट, दे आर गोइंग ऑन अ हाई, एंड ऑल द बेस्ट टू देम, ऑल द बेस्ट टू फ्यूचर। चलो एक बार चीयर अप हो जाए इंडिया के लिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से देखिए सामने कितनी रौनक लगी हुई है भाई। टाउन हो चुका है इतना जबरदस्त, जैसे कि हम ना वर्ल्ड कप मैच में आए हुए, ये जुनून यही देखने के लिए मिल रहा है। ये जुनून यही देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे लग रहा है वर्ल्ड कप मैच में खड़े हुए इस टाइम। टी शर्ट उतारो,
टी-शर्ट ये तो जुनून है टीम के लिए हमारे क्रिकेट। बच्चे को कहाँ बिठाया हुआ है? धोनी का फैन यहाँ पे भी आ चुका है। रिसेंटली वीडियो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखी होगी, तो यहाँ पे भी आ चुके हैं धोनी के फैन। बिल्कुल याद है उस दिन की फीलिंग और आज की फीलिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल फीलिंग ये थी क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे 2023 में, पूरा ये लगा नहीं था कि हम लोग वर्ल्ड कप हार जाएंगे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे वर्ल्ड कप हम लॉस कर गए, लेकिन उसका बहुत दुख है। 2023 का बदला लिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ये वर्ल्ड कप की खुशी मनाई जाएगी क्योंकि 17 साल बाद ये खुशी का माहौल बना है। और रोहित शर्मा की कप्तानी में, रोहित शर्मा का भी ड्रीम था ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ में हो, एक ट्रॉफी तो कम से कम होनी चाहिए। और उनका जो सपना था, विराट का सपना था, वो पूरा हुआ है, पूरे देश का सपना पूरा हुआ है और हम लोग उसमें शामिल है और ये सिलसिला खुशी का माहौल है और बनते रहेगा। बस यही कहेंगे, चीयर फॉर इंडिया, भारत माता की जय। एक बार लहरा दो अपना ये लहरा दो लहरा दो इंडिया 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 इंडिया। गाइस ये देखिए स्पीचलेस है, पोस्टर बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे पोस्टर्स हैं ये। हैट्स ऑफ। हम दिल्ली से, दिल्ली से कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चीयरअप कैसे करना चाहेंगे आज हमारी इंडिया टीम का? इंडिया इंडिया इंडिया। चाहते तो हम आगे जाके स्वागत करना है, बट हमें अलाउड नहीं है। वही तो हम जितना टीम के हर हम रूम में बसे हुए हैं, तो ये जगह भी हमारे लिए बहुत कीमती है। ये बात तो है ही, तभी तो हम यहाँ पे चार बजे से वेट कर रहे हैं उनके आने का। और अभी हम कल हम वहाँ पे भी जा रहे हैं शाम में, जो मुंबई में उनका वो है, हम यहाँ से जा रहे हैं। इतनी दीवानगी बहुत ज्यादा। ये देखो ना, रोहित शर्मा को साथ में करो। रोहित शर्मा मुंबई का राजा को, रोहित शर्मा। ओ माय गॉड, स्पीच लास्ट छोटे से बेबी की। कितने साल की हो? मैं 12 इयर्स का हूं। आपका नाम? रुद्र शर्मा। कैसा लग रहा है आज आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। विराट कोहली के फैन हो? यस। क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बनाया है। बस गाइस वहां से आंखें जो है हमारी तरस रही है सामने से टीम इंडिया का देखने के लिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, यहीं सामने से हमारी टीम इंडिया जो है आने वाली है और आंखें जो है हमारी टिका रखी है हमारी सभी हमारे फैंस ने, यहाँ देख सकते हैं आंखें टिकाई बैठी है हमारी ऑल फैंस। किस तरीके से एक्साइटमेंट दिख रहे हैं यहाँ लोगों के बीच में, और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट कि बस टीम इंडिया आए और ये बस क्रेजीनेस अभी इतना दिख रहा है। किस तरीके के यहाँ पे क्राउड देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे बहुत मतलब बारिश में सब यहाँ पे लोग। कैसा लग रहा है सबको आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए उन सबको। आपकी नजरें वही टिकी हुई है? मेरी तो सुबह से टिकी हुई है वहाँ पे, शायद नजरें पूरी दिन। मैं 3:30 बजे का आया हूँ। कहाँ से आए? मैं आया हूँ बदरपुर से। बदरपुर से जी। वाह, तो इंडिया के चीयर अप कैसे करना चाहोगे? बहुत ज्यादा, भारत माता की जय। देखिए गाइस मतलब इतना एक्साइटेड यहाँ पे सभी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं इंडिया की पूरी जो टीम मेंबर्स की है पूरे की पूरे ड्रेसअप यहाँ पे पहन के आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं रोहित शर्मा का यहाँ पे पोस्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। पीछे देख सकते हैं आप,
तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सारी जो मीडिया लाइन्स है वो वहाँ पे आई हुई है, और यहाँ पूरा मतलब इतना एक्साइटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतना एक्साइटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, बता नहीं सकती मैं, मतलब सबकी जो निगाहें है ना सीधा सामने टिकी हुई है, क्योंकि वहीं से जो है हमारी जो टीम इंडिया की जो बस है वो यहाँ से चल के आने वाली है, और सबकी जो निगाहें हैं वो यहीं पर टिक कर बैठी हुई हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सब चेयर्स करने लग रहे हैं टीम इंडिया का, इस देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ बुमरा बुमरा बहुत हो रहा है। अब हमें मिल चुके हमारे एक ही जी जो कि बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉगर है, कैसा लग रहा है एके जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इवन मेरी आज 6:10 की थी ट्रेन, मैंने उसको कैंसिल किया, आगे की मेरी ट्रेन भी थी, सब कैंसिल करके आज हम यहाँ पर आए हैं स्पेशली वो यहाँ पे टीम मेंबर्स का वेलकम करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और अमेजिंग क्राउड, क्राउड देखो आज जहाँ मेरी नजर जा रही है ना वहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्राउड है, आई गेस आधे घंटे के अंदर टीम आती होगी मोस्टली, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, पूरी 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 हमारी तो नजरें सामने टिकी हुई है क्योंकि बसेस वहाँ पर, बसेस वहाँ पे खड़ी है, एग्जैक्टली बसेस वहाँ पे खड़ी है। तो एके जी अभी आए हैं जस्ट अभी, और अब मुझे कंपनी बहुत अच्छी मिल गई है, मुझे जब मैं अकेला होता नहीं तो एक्सक्लूसिव ये ली, तो मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिल गई है, तो बहुत मजा आने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत चेयर अप करने वाले हैं हम टीम इंडिया के लिए। फाइनली गाइस इतने बैरियर्स है यहाँ से हटा दिए गए हैं, और अब फाइनली लग रहा है जिस चीज़ की हम इतनी देर से हम आंखें बिठाए बैठे हुए थे तब से, और हमारी जब से आंखें टिकी हुई थी यहाँ पे, तो बैरियर हटने के बाद ऐसा लग रहा है जब से हम सुबह से यहाँ बैठे जिस आस में वो आस हमारी पूरी होने वाली है, और हमारी टीम इंडिया हमारे पास आने वाली है, सो एक्साइटेड हो आप सब। गाइस देख सकते हैं हमारी जो निगाहें हैं वहीं टिकी हुई है, और बस थोड़ी ही देर के और वक्त और है, बस फिर हम अपनी टीम इंडिया से मिलने वाले हैं। अभी जयेश आ गए हैं वहाँ से कार में, बस अभी सबसे भैया जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई हमारी टीम इंडिया आ गई। के जी फुल वेट में बैठे हुए हैं, मेरा माइक नहीं चल रहा, मेरे को ये स्ट्रेस हो रहा है, माइक क्यों नहीं चल रहा है। तो बैक टू बैक यहाँ से कोई ना कोई जा रहा है, बैक टू बैक यहाँ से कोई ना कोई जा रहा है, अब बस टीम इंडिया का वेट है सिर्फ, टीम इंडिया कब आती है और सब आप सबको दिखाएंगे। ये तो खाली है बस गाइस, वेट हुआ खत्म, बस अब थोड़ी देर और बाकी है यार, टीम आ गई है गाइस, टीम, ओह माय गॉड गाइस हमारी टीम इंडिया की बस आने वाली है, और सुनने में आया कि ड्राइवर के ठीक सीट पीछे वाली सीट पे विराट कोहली बैठे हैं, और फ्रंट ऑफ में हार्दिक पांड्या, तो गिरने को फाइनली टीम इंडिया, बस गाइस टीम इंडिया की पहली बस, बस
इतना क्राउड गाइस, और ये सेकंड बस में बताया जा रहा है रोहित शर्मा है। माय गॉड, ओ बुमरा 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 बुमरा, ओ जंडू जंडू भाई जंडू, ओ भाई बड़ी, ओ भाई की हाल चाल है भाई साहब। ये देख लो लाइव अपडेट, देखिए गाइस लाइव अपडेट, क्राउड देख लो, बस निकल गई, बस निकल गई है फाइनली। Oh my God! गाइस कैसा लगा आपको, मतलब इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया, इतने पास से विराट कोहली को देखा मैंने, हार्दिक पांडे को देखा, और मतलब दिन बन गया है भाई। गुड गाइस, और सच बताऊँ मतलब बुमराह इतना पास से देखा है, मतलब क्या होता, मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे, मतलब स्पीचलेस हो रखी, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा क्राउड था अभी तक वहाँ पर इतना सारा क्राउड बना हुआ है, और इतना मज़ा आया ना, इतना मतलब जो एक 3 बजे से उठ के घर से एक आई थी ना मैं यहाँ से, इतने घंटे वेट करने के बाद जो एक चीज़ वसूल हुई है ना, वो पूरी चीज़ ना नींद वींद सब कुछ उड़ चुकी है मेरी, इतना अच्छा आज दिन है, इतना अच्छा मोमेंट मुझे कैप्चर करने के लिए मिला, और दर्शन हो गए हमारी टीम इंडिया के फाइनली, और आई एम सो हैप्पी फाइनली मेरा दिन बन गया। तो गाइस कैसे लगी वीडियो, जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, अब इंडिया के लिए लाइक नहीं करोगे तो किसके लिए लाइक करोगे, सबसे बड़ी बात है हमारी इंडिया की टीम T20 का वर्ल्ड कप लेकर आई है, तो मैं कहती हूँ गाइस जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उनके लिए तो कम से कम लाइक कर दीजिए उनकी मेहनत के लिए, और जल्दी से जाइए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बिना नहीं जाइएगा प्लीज़। तो मिलती है यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल बहुत सारा।